हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं इस पौधे को, यह गंधराज गार्डेनिया का पौधा है। आज मैं इसे कटिंग से मिट्टी में कैसे ग्रो किया जाता है की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले देखिए मैंने कटिंग लगाया था और कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। देखिए, ये अजवाइन की है। देखिए, मैंने दो पौधे कटिंग से लगाए थे, एक ये और एक ये, और दूसरा देखिए एक जोरा का पौधा है। देखिए, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था। देखिए, एक ये है और देखिए एक ये है, एक ये है देखिए, और एक ये है। देखिए मित्रों, सब सक्सेस है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और देखिए, ये पेडिलेंथस का पौधा मैंने कटिंग से लगाया था। देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ है मित्रों। और देखिए, ये कोफिया का लगाया था मैंने। देखिए, तीन कटिंग है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पत्थरचट्टा की कटिंग लगाई थी। देखिए आपके सामने है, एक ही पत्ते को मैंने दो भाग किए थे। देखिए, एक भाग ये था और एक भाग ये था। देखिए, इनका जो कोने कोने का जो पोर्शन है कट, देखिए इसमें बेबी प्लांट आ रहे हैं। देखिए मित्रों, और ये समूची पत्ती थी। देखिए पूरा इसको भी मैंने लगाया, देखिए इसमें भी बेबी प्लांट आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है मित्रों इसकी। मित्रों, अब मैं गंधराज गार्डेनिया के पौधे की कटिंग मिट्टी में कैसे ग्रो की जाती है की जानकारी दूंगा। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले की बात है, देखिए बंदर ने इस पौधे को तोड़ दिया था। देखिए ये यहाँ से, देखिए यहाँ से, दो दिन पहले की बात है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मित्रों। देखिए, और ये आपके सामने पूरी की पूरी ब्रांच मैंने दो दिन से रखा हुआ है, इसलिए कि मैं इसकी मिट्टी में कटिंग ग्रो करूँगा। मित्रों, जब भी पौधे से कटिंग निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज इसलिए किया जाता है कि कटिंग पार्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फंगस की शिकायत ना हो। मित्रों, जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं या नर्सरी से पौधे को ला करके और घर में लगाते हैं, तो पॉटिंग मिक्स इस प्रकार से होगी, मिट्टी का कंपोजिशन इस प्रकार से होगा। एक भाग देखिए गार्डन सॉइल इस पौधे के लिए स्पेशली, और एक भाग सैंड का, रेत का। मित्रों, गार्डन सॉइल इस तरीके की होनी चाहिए कि धूप में सूखी हुई होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। एक भाग खाद का, इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और इसमें सूखी पत्ती भी ले सकते हैं आप। एक ही भाग होना चाहिए। देखिए, मैंने गोबर की खाद लिया है और थोड़ी सूखी पत्ती लिया है, और इसमें इतने कंपोजिशन में 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक का भी लेना है। ऐसा इसलिए, हल्दी इसलिए ली जाती है मित्रों कि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। इनको सबको एक में मिक्स करना है। मित्रों, अब इस मिट्टी को मिला लेते हैं, एक में मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा मिक्स बना है मित्रों मिट्टी का, और इसे अब देखिए इस पॉट में भरेंगे। देखिए, ये कुल्हड़ है 3 इंच का। देखिए, इसमें ड्रेनेज होल है। ड्रेनेज होल इसलिए बनाया जाता है कि हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। और देखिए, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया है। देखिए, इसी तरीके से और भी जो पॉट हैं उसमें भी सेम कार्रवाई हुई है, और इसको भर लेते हैं इसे। सब में भर लेंगे इसको। मित्रों, कटिंग निकालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी स्टेम को चुन रहे हैं, ब्रांच को चुन रहे हैं, ध्यान रखना है कि फ्रेश होनी चाहिए, जली कटी या किसी भी प्रकार का दाग धब्बा इसमें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 4-5 इंच की ही कटिंग आपने लेना है। देखिए मित्रों, अब मैं इस कटिंग को
निकालूंगा। देखिए जैसे एक ये है, इसको निकाल लेते हैं। दूसरी देखिए, इसको निकाल लेते हैं, ये है। तीसरी कटिंग देखिए मित्रों, ये है। और चौथी कटिंग मित्रों ये है, देखिए आपके सामने ये पत्ता निकाल लीजिए। और एक कटिंग मित्रों ये ले लेते हैं, ये पांच कटिंग कुल निकाला है। अभी मित्रों ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसकी कटिंग नहीं लगेगी, इसको भी मैं लगाऊंगा, कहीं और लगाऊंगा दूसरे गमले में, लेकिन ये भी अगर लगेगी तो ये भी सक्सेस होगी, है कि ना। नहीं आपने देखिए मित्रों, ये पांच कटिंग है, एक दो तीन चार और पांच, मेरे पास पांच पॉट भी हैं। अब इनके जो स्टेम है नीचे की पत्तियों को निकाल लेना है। देखिए केवल दो तीन पत्ती ऊपर की रहने दीजिए मित्रों, बस देखिए ये ठीक है मित्रों। इसी तरीके से बाकी कटिंग्स की भी पत्तियां निकालना है। देखिए नीचे की पत्तियां निकाल लीजिए मित्रों। यह भी ध्यान रखना है कि जो कटिंग आप लेते हैं सेमी हार्ड होना चाहिए। देखिए अब इसको 45 डिग्री एंगल पर कट करना है। देखिए ये बहुत सफाई से करना है मित्रों, थोड़ा पीछे भी साफ कर दीजिए। और इसको ऐसे बारीकी से काटना है, बिल्कुल प्लेन। देखिए ये इसी तरीके से सबको तैयार करना है। देखिए मित्रों जो भाग मिट्टी में जाना है 45 डिग्री एंगल पर कट किया है, देखिए इसको। अब देखिए पॉट तैयार है, इसमें उंगली से या स्क्रू ड्राइवर से होल कर लीजिए और इसको एक डेढ़ इंच अंदर मिट्टी में लगा दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है मित्रों, बहुत सिंपल है, थोड़ा टेढ़ा रखिएगा, बहुत सिंपल मित्रों। लगाने के बाद ध्यान ये रखना है कि स्टेम हिलनी नहीं चाहिए और शेडेड एरिया में जहाँ हल्की छन छन कर धूप आती हो वहाँ रख दीजिए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए मित्रों, कुछ दिन में देखिएगा कटिंग लग जाएगी। और थोड़ा पानी दे देते हैं इसमें मित्रों, पानी इतना ज़रूर देना है कि ड्रेनेज होल तक पानी पहुँच जाए पहली बार में। थोड़ा थोड़ा और दे दें, स्टेम हिली नहीं चाहिए। मित्रों अभी आपने देखा गंधराज पौधे की कटिंग मिट्टी में कैसे लगाई जाती है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।